हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णा स्ट्रीम्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लाइक सब्सक्राइब इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं आपकी एनर्जी ले पाऊँ और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो आपसे एनर्जी रेजोनेट हो पाए। ओके, ये रीज़न होता है लाइक करने का। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और क्या एक्शन रहने वाला है, ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वक्त। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में जरूर लीजिएगा और बहुत पॉजिटिव रहिएगा। ओके, चलिए। तो पहला मैसेज आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओ माय गॉड, आपके पर्सन जो हैं उनकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त ईश्वर उन्हें बहुत सारे साइंस दे रहे हैं, बहुत सारी गाइडेंस उन्हें दे रहे हैं। इंट्यूटिव लेवल पर उन्हें बहुत कुछ समझाया जा रहा है इस जर्नी के बारे में, है ना, और वो समझ भी रहे हैं। बट अभी वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, और जो भी हो सकता है आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसे मिसबिहेव किया हो या कुछ भी ऐसा रहा हो, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों आपके बीच में। तो उन्हें अब वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने किसके साथ ऐसा किया, है ना। ये सभी चीज़ें उन्हें थोड़ी परेशान कर रही हैं और वो इस वजह से रातों को नहीं सो पा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। थोड़ा गिल्ट भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बट मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि कि गिल्ट जैसी चीज़ इसमें नहीं होती है, क्योंकि जो भी होता है ईश्वर की गाइडेंस के थ्रू ही होता है, ईश्वर की मर्जी से ही होता है। और ये जो भी होता है वो हमें कुछ लेसन लर्न करने के लिए दिए जाते हैं, और वो लेसन जब तक हम लर्न नहीं कर लेते हैं तब तक हम उस एनर्जी में ही रहते हैं। और जैसे ही हम इस एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, हमने जो भी किया वो रियलाइजेशन होता है उसका, तो जब हम उस लेसन को लर्न कर लेते हैं तो वो चीज़ से हम बाहर निकल पाते हैं। ओके, और तो ये सभी चीज़ें ईश्वर के द्वारा गाइडेड होती हैं, तो इसमें गिल्ट करने जैसा आपको गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि गिल्ट एनर्जी भी जो होती है एक ब्लॉकेज का काम करती है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली आपकी पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, और उनके आसपास मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि कुछ कार्मिक एनर्जीज ऐसी हैं, ओके, जो उन्हें काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब भी करते हैं। हालांकि आपके पर्सन डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उन्हें सही गलत की समझ बहुत अच्छे से है। आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंट्यूटिव भी हैं और कुछ स्पिरिचुअल भी हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं यही फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल हैं बहुत, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल उनका बहुत अच्छा है। बट इस वक्त जब उन्हें इस जर्नी के बारे में समझ में आने लगा है, जर्नी के बारे में पता चलने लगा है, तो वो अब कंफ्यूज्ड हैं। ओके, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो या मैरिड नहीं भी हैं, तो वो किसी और पर्सन के साथ में हो, किसी को और कार्मिक एनर्जीज के साथ में हो, पर्सन के साथ में हो, थर्ड पार्टी के साथ में हो। तो उन्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब ये कैसे आगे होगा। तो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, अगर आप दोनों ही मैरिड हैं और नहीं भी मैरिड हैं, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है कि ये आपको नहीं सोचना है कि कैसे होगा, आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये जर्नी आपको दी गई है, ईश्वर ने दी है, आप एक चूजन वन हैं, आप ईश्वर के लाडले बच्चे हैं, इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है। तो उस जर्नी को एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है और आपको आगे बढ़ना है, बाकी जो भी होगा वो ईश्वर करवाएंगे, आपको नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना होता है ईश्वर में। आप खुद ही सोचिए, अभी तक जो भी हुआ वो हमने नहीं, हमने जो भी सोचा वो ना हो करके जो नहीं सोचा वो ही बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की गाइडेंस है, और वही ईश्वर की इच्छा है। तो वो आपको उस जगह तक, आपको मोक्ष की प्राप्ति तक, आपका जो अल्टीमेट गोल है इस जर्नी का, उस तक लेकर जाएगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ सरेंडर कर देना है ईश्वर पर, क्योंकि जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे। टेम्परेंस, तो यहाँ पे आपकी पर्सन देखिए आपके साथ एक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, और उनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा लव मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, आपके साथ फुलफिलमेंट चाहते हैं,
अपना लव जो है वो आप ही को ऑफर करना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ विजिट करना चाहते हैं, अपनी सभी बातें, अपनी सभी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी बातें हैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। ओ माय गॉड, वाओ। देखिए टेम्परेंस के बाद यहाँ पे आया है जजमेंट, तो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे आपको जजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि वो इस जर्नी में हैं और जो भी उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ बिहेवियर रखा, ओके, आप इसे नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि मुझसे जो भी मैं जो कह रही हूँ वो यूनिवर्स ही कहलवा रहे हैं। तो जो नेगेटिव वे में ट्रीटमेंट दिया गया आपको डीएफ्स, ओके, तो यहाँ पे आपको ईश्वर जो है जजमेंट दिलवा रहे हैं, आपकी पर्सन आपको जजमेंट देना चाहते हैं आपके साथ। वो मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन उनके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन, ओके, यहाँ पे यही फीलिंग मुझे आ रही है, यही एनर्जी मुझे मिल रही है, परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो 100% यहाँ पे ये कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में आपको जजमेंट देंगे पर्सन। यहाँ पे देखिए जजमेंट के बाद आया है लवर्स का कार्ड, तो आपके पर्सन यहाँ पे आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ओके, आपके। और देखिए आप दोनों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स, ओके, और ये यूनिवर्स यहाँ पे आप एक सन भी देख पा रहे होंगे पीछे, तो ये सन कितना, सन की ब्राइटनेस आप देख पा रहे हैं कितनी ब्राइटनेस है, तो इतनी ब्राइटनेस आपकी लव लाइफ में, आपके इस जर्नी में, आपके इस कनेक्शन में आगे आने वाली है। और यहाँ पे आप दोनों ही पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है, आप देख पा रहे होंगे एक ये राइट लेफ्ट राइट हैंड जो है वो आपके पर्सन की तरफ है, और राइट हैंड लेफ्ट सॉरी लेफ्ट हैंड जो है वो आपके ऊपर है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स की प्रोटेक्शन भी है। अगर आप इस चिंता में हैं कि आपके पर्सन प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक या कार्मिक एनर्जीज तो नहीं है, तो 100% श्योर यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया गया था, जो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स मुझसे कहलवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे नेगेटिव वे में ना लें, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो भी कहा जाता है वो यूनिवर्स ही कहलवाते हैं, हम कोई नहीं है ये सभी चीज़ें बोलने वाले। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ पे जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटीज यूज़ की गई थी ना वो सभी खत्म हो चुकी हैं, और जिन्होंने की थी वो उन तक रिटर्न भी हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है, ओके, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन यही आ रहा है कि जिन्होंने की थी उन तक रिटर्न भी मिल चुका है उन्हें, उनका कर्मा बैक हुआ है, कर्मा हिट हुआ है उनके ऊपर बहुत अच्छे से। और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लेडी जो है इनके पीछे एक फ्रूट्स से भरा हुआ एक ट्री है, तो ये आपके डिवाइन फेमिनेंस, आपने जो अभी तक डिवोशन किया है, जो आपने तपस्या की है, ओके, आपकी अवेकनिंग के बाद से लेकर आपने जो अभी तक तपस्या की है, जो आपने शिद्दत से अपने काउंटर पार्ट की अवेकनिंग के लिए जो भी आपने तप किया है, आपने जो भी मेहनत की है, वो जो भी भक्ति की है आपने, जो भी आपने इनर वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आपका आ गया है, ओके। यहाँ पे ये एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी पर्सन की, क्योंकि वो भी अब एक्शन लेना चाहते हैं, और एक्शन लेंगे ही आपको जजमेंट देंगे, ओके, जजमेंट का समय अब आ चुका है। और नेक्स्ट देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है 3 नंबर का, तो यहाँ पे आपकी पर्सन देखिए आपको इस एनर्जी में इस वक्त फील कर पा रहे हैं, आपकी पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, एक एम्प्रेस की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इवन स्पिरिचुअली भी आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपकी पर्सन आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल भी यहाँ पे फील कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा लव आपकी तरफ फील कर रहे हैं वो, ओके, और वो ऐसा अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि आप इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, आप इतनी स्पिरिचुअली अवेकन हो चुकी हैं, और अब जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि आपने उनके अवेकनिंग के लिए जो इतनी तपस्या करी, आपने हर परिस्थिति को अपने अकेले ईश्वर के साथ लेकर के जो भी आपने डिवोशन के साथ में आपने जो भी किया इस जर्नी में, तो वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए वो आपके साथ जो है वो आपको कंप्लीशन देना चाहते हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं, और मतलब मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं जो आपके पर्सन, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त बहुत
बहुत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में है आपके लिए। और ये आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, तो आपकी पर्सन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स है, इमोशनल पैटर्न्स जो हैं वो अब यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। ओके, जिनकी वजह से स्टकनेस थी, आपका जो कनेक्शन था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, सॉरी। तो अब वो जो भी नेगेटिव इमोशंस थे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस थे, नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स मैं यहाँ पे ज़्यादा फील कर पा रही हूँ, तो जो इमोशनल पैटर्न्स थे उन्हें अब छोड़ के जाने वाले हैं। ओके, वो पैटर्न्स को अब वो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैटर्न्स अब आगे सर्व भी नहीं करेंगे। ये एक फेज कंप्लीट हुआ है, और जब फेज कंप्लीट होता है तो पुराना पैटर्न कभी सर्व नहीं करता है। यहाँ पे नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो आपकी पर्सन अब वो पूरी तरीके से अपने आप को रेडी कर रहे हैं, इस एनर्जी में आ रहे हैं, इस जर्नी में चलने के लिए, इस जर्नी में आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आएगा वो अब उसे फेस करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को इतनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैंने अभी देखी 11 11 भी देखा, वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, ऐसी एयर इतनी स्पीड से आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके पर्सन इतनी स्पीड से आपकी तरफ आने वाले हैं। आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, आपका एक फिर से एक न्यू फेज, न्यू बिगनिंग आपकी। आई होप आप देख पा रहे होंगे कार्ड्स, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर सन का कार्ड, और फिर 10 ऑफ कप्स। तो और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे हम, यूनिवर्स हमें पूरी, आपको पूरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको और आपके काउंटर पार्ट को। यहाँ पे आपके साथ कम्प्लीशन करेंगे, आपके साथ एक ऐसी 10 ऑफ कप्स जो है वो कम्प्लीशन का शो करता है। आपकी आपके पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ किड्स चाहते हैं, आपके साथ कम्प्लीशन चाहते हैं। पूरी तरीके से आपका रीयूनियन यहाँ पे होने वाला है। आप रीयूनियन आपका, आपकी एनर्जी वाइज होगा, आपकी जर्नी के जिस भी फेज में उसके अकॉर्डिंग आपका रीयूनियन यहाँ पे 100% श्योर, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे 100% श्योर है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग, आज की ब्लेसिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।